हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कोर्सेस वाइज सीट्स। डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफर्ड करती है, हम उन सारे कोर्सेस के बारे में आज देखने वाले हैं, कोर्सेस वाइज सीट देखने वाले हैं। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स वो होते हैं जो क्लास 12 के बाद जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, और हम उन कोर्सेज़ के बारे में आज हम देखने वाले हैं, किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं यूनिवर्सिटी में। और के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, उसके कोर्सेस बाय सीट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीफार्मा, इंटीग्रेटेड कोर्स, बीए, बीएड, बीए, बीएड, जो बीएड इंटीग्रेटेड, बीएससी, बीएड, बीसीए, बीएफए, बीएएलएलबी, ऑनर्स, बीए, बीएड। तो हम इन सारे कोर्सेज़ के कोर्सेज़ बाय सीट देखने वाले हैं। कोर्सेस नंबर ऑफ़ सीट्स, बीए की बात करें तो 742 सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटी में बीए के लिए। बीए बीएड के लिए 50 सीट होती हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए के लिए होती हैं 23 सीट्स। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए आप 299 सीट होती हैं यूनिवर्सिटी में। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें 40 सीट होती हैं। बीएससी बायो ग्रुप की बात करें, बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप्स 259 सीट होती हैं बीएससी के लिए। बीएससी बीएड बायो ग्रुप, बीएससी बीएड बायो ग्रुप की बात करें तो इसमें 25 सीट होती हैं, 25 सीट होती हैं बीएससी बीएड के लिए, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। बीएससी मैथ ग्रुप की बात करें तो मैथ ग्रुप में 265 सीट होती हैं बीएससी मैथ के लिए। बीसीए की बात करें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसमें नंबर ऑफ़ सीट होती हैं 69 सीट होती हैं। बीएससी बीएड मैथ ग्रुप्स, बीएससी बीएड मैथ ग्रुप की बात करें तो इसमें 25 सीट होती हैं। बीएससी बीएड बायो मैथ ग्रुप दोनों में ही 25 सीट होती हैं बीएससी बीएड के लिए, जो कि दोनों ही इंटीग्रेटेड कोर्स हैं। अब बात करें फार्मेसी, बी फार्मा बायो मैथ्स ग्रुप, जिसमें 60 सीट होती हैं दोनों के लिए। बी फार्मा बायो ग्रुप मैथ ग्रुप दोनों के लिए सेपरेट सीट होती हैं, 60 सीट होती हैं। बीएएलएलबी ऑनर्स की बात करें तो इसमें 40 सीट होती हैं, 40 सीट्स होती हैं बीएएलएलबी के लिए। बीलिप्स बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए, साइंस की बात करें तो इसमें 35 सीट होती हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए। बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की बात करें तो इसमें 23 सीट होती हैं जर्नलिज्म के लिए। एलएलबी की बात करें तो 40 सीट, 40 सीट होती हैं एलएलबी के लिए। एज रिक्वायरमेंट देखें हम कोर्सेस वाइज, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, तो हम इसका एज रिक्वायरमेंट देखें तो यूनिवर्सिटी का जो एज रिक्वायरमेंट है वो हम देखने वाले हैं। द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट्स शुड बी 17 ईयर्स। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए वो 70 ईयर्स का होना चाहिए, कम से कम 17 ईयर्स, 17 साल का होना चाहिए। एज शुड नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड जनरल ओबीसी कैटेगरी। जो बच्चे जनरल और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनका एज 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और SC ST की बात करें तो 27 ईयर्स। SC ST एंड PW एप्लीकेंट्स मतलब SC ST के लिए 27 ईयर्स के भी जो बच्चे होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी 30 ईयर्स फॉर जनरल OBC कैटेगरी एज ए 35 ईयर्स फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट्स। तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के लिए एज लिमिट है जनरल और OBC के लिए 30 ईयर्स और SC ST के लिए बात करें तो 35 ईयर्स, 35 साल तक SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं। BA LLB की बात करें, BA LLB ऑनर्स एंड LLB, देयर इज़ नो एज रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस प्रोग्राम। BA LLB और LLB के लिए कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बच्चे 10+2 12th पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इज 45% और इक्वलेंट। जो भी अप्लाई करना चाहता है उसके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, जो भी न्यू अपडेट आती हैं यूनिवर्सिटी से वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।